बच्चों हम जिस साम्राज्य की बात पढ़ रहे हैं, जिस दौर की बात पढ़ रहे हैं, उसमें अगर आर्थिक विस्तार की बात की जाए या आर्थिक संसाधनों की बात की जाए तो वो कौन से हो सकते हैं? तो आर्थिक संसाधन हो सकते हैं किसी क्षेत्र से व्यापार करना, अपनी वस्तु का निर्यात करना, यही तो हो सकता है आर्थिक विस्तार। कौन कौन सी वस्तुएं आप अपने यहां से निर्यात करते हैं, आर्थिक विस्तार का मतलब यही है, किसी से वस्तुएं मंगाना, ये आर्थिक विस्तार तो है, लेकिन ये आर्थिक विस्तार वैसा नहीं है जैसा अपेक्षा की जाती है। आर्थिक विस्तार का सामान्य अर्थों में मतलब लगाया जाता है कि आपने अपने आर्थिक दायरे को बड़ा किया और आर्थिक संसाधन जो थे अपने वो बढ़ाए, अपनी स्थिति को मजबूत किया, धन अर्जन किया। तो आर्थिक विस्तार साम्राज्य की बात हो रही है, रोमन साम्राज्य की, तो उस जिस दौर की बात हो रही है उसमें बंदरगाह हो जाते थे, जंगलों से निकलने वाली लकड़ियां, कुछ फल हो गए, तेल वगैरह हो गया, यही सारी चीजें थी जो निर्यात की जाती थी। कुछ फैक्ट्रियां भी उस समय तक लगी हुई थी जो आज 19वीं सदी के दौर में दोबारा लग के तैयार हुई, लगभग 1700 सालों के बाद वो फिर से रीस्टेब्लिश्ड हुई। जल शक्ति से चलने वाली फैक्ट्रियां वहां पर लगी हुई थी, बहुत ही रिच सिविलाइजेशन रहा है, सिविलाइजेशन का दौर रहा है इसमें, और इसीलिए ये आपके टॉपिक में सिलेबस में रखा भी गया है, क्योंकि आप प्राचीन पढ़ रहे हैं तो इस दिमाग से मत पढ़िए कि प्राचीन ही था सब, उसमें काफी कुछ चीजें आज के आधुनिक समाज से भी जुड़ी हुई थी। आज आधुनिक समाज में जैसी चीजें चल रही हैं वैसी भी उस समय मिली है। तो आर्थिक विस्तार में सबसे पहले हम जब बात शुरू करेंगे तो आएंगे उनके संसाधनों पर। तो साम्राज्य में बंदरगाहों यानी बंदरगाह तो मतलब समझते हैं ना भाई, समुद्र के किनारे का वो कटा फटा क्षेत्र जिसमें जहाज आकर रुकते हैं, माल उतरता है, लगता है, फिर निकल जाता है, या फिर किसी लंबी यात्रा के लिए जा रहा जहाज आपके यहाँ विश्राम के लिए आके कुछ समय तक रुकता है या आपके मार्ग से निकलता है, तो वहां पर कुछ समय के लिए विश्राम के लिए आते हैं लोग कि कुछ चीजें संसाधन जो हमारे चाहिए वो वहां से ले लेंगे, कुछ वस्तुएं दे देंगे, कुछ वस्तुएं ले लेंगे, आगे व्यापार करते हुए चले जाएंगे। तो वैसी सिचुएशन के लिए तो बंदरगाहों का मांग खानों का मतलब खान से है, खदान वाली जो खान होती है जिससे चांदी कोयला ये सब निकलते हैं, खानों कामा खदानों, खान और खदान इन दोनों में अंतर है। खदान जैसे मान लीजिए बालू की खदान होती है लेकिन कोयले की खान होती है, बालू कहीं पड़ गया ऊंचा नदी में भर गया तो उसको क्या करते हैं, वहां पे खदान होती है, निकाला जाता है। खान क्या होती है, गहरा गड्ढा होता है, बहुत ही गहराई में जाकर नीचे से आपको निश्चित मात्रा में स्रोत वहां से मिलता है, संसाधन मिलेंगे, क्योंकि खदानों में आप निकालेंगे अगली बार फिर आके वो चीजें कवर हो जाएंगी। बालू किसी नदी से निकाल लीजिए, अगले सत्र में जाइए फिर से वो पट्टी मिलेगी खदान आपकी, तो ये अंतर होता है। तो खानों खदानों का मां ईंट भट्ठों, यहां पर ईंट के मकान बने हैं तो ईंट के भट्ठों का मां जैतून के तेल, यहां पर बहुत ही प्रचुर मात्रा में जैतून का तेल जो है वो निर्यात किया जाता था, जैतून के तेल की फैक्ट्रियां आदि काफी संख्या में थी, ठीक कहां पर थी, रोमन साम्राज्य में बंदरगाह खान खदान ईंट के भट्टे जैतून के तेल की फैक्ट्रियां पर्याप्त मात्रा में थी, यानी ये आपके हो गए आर्थिक संसाधन। अब इनका कैसे यूटिलाइजेशन होता था, उपयोग कैसे होता था साम्राज्य में, वो हम धीरे धीरे देखेंगे। जिसके कारण इन सब के कारण ठीक के कारण साम्राज्य का आर्थिक ढांचा काफी क्या रहा होगा, कमजोर रहा होगा, आर्थिक ढांचा काफी मजबूत था। इतिहास को कभी इतिहास की तरह मत पढ़िएगा, इतिहास मत हो जाइएगा बोरिंग में, हंसते हुए मुस्कुराते हुए पूरा टाइम, जैसे मैं हंसता रहता हूं वैसे आपको भी हंसते हंसते पढ़ना है, ठीक सब हंसते हंसते समझ में आ जाएगा, मजा भी आएगा।
इनकी कुछ अन्य व्यापारिक वस्तुएं, कुछ अन्य व्यापारिक वस्तुएं इनकी जो थी वो कौन सी थी, वो गेहूं और अंगूरी शराब। अंगूरी शराब, अंगूर से बनने वाली शराब मतलब अंगूरी शराब, पानी से बनने वाली मतलब पानी शराब, और जहर से बनने वाली शराब मतलब जहर शराब। ठीक, अंगूरी शराब स्पेन की बहुत ही फेमस होती है अंगूरी शराब। ये सब स्पेन कामा गार्लिक गैलिक है, स्पेन कामा गैलिक आदि प्रांतों प्लस उत्तरी एशिया, उत्तरी एशिया, एशिया का जो भारत है वो दक्षिणी एशिया में ना, उत्तरी एशिया का जो क्षेत्र था वहां, और साथ ही साथ मिस्र, मिस्र से आती थी, कहां आती थी, संपूर्ण साम्राज्य में, साम्राज्य में। अब सिंपल सा है, देखो ये इनकी आय की मद कैसे हो गई सारी चीजें, ये जो है ये आय की मद है इनके, ये व्यापारिक स्रोत है, स्पेन से आए, गैलिक से आए या अन्य प्रांतों से आए, है तो सभी इन्हीं के क्षेत्र में, यहां से निकाल के ये मान लीजिए दूसरे स्थान पे लेके चले गए साम्राज्य में, तो टैक्स तो इनको मिलना ही मिलना है, यानी कि आय तो इनकी निश्चित है, ये चाहे यहां से जाए चाहे यहां से जाए। तो इस तरह से इनकी ये कुछ आय की अन्य मदें थी। जैतून का तेल व मदिरा के लिए, जैतून का तेल व मदिरा रखने के लिए, अब इसमें यही तो समस्या होगी कि इसको रखते कहां रहे होंगे, इसमें भर के ले जाते थे डिब्बे में घड़े में, तो भरने के लिए मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग होता था, होता था। अभी आप लोग समझ लेंगे मिट्टी के बर्तन, हमें लग रहा आने से आज से 50-60 साल बाद आने वाले बच्चों से जब कोई कहेगा मिट्टी के बर्तन तो बहुत तेजी से हंसेंगे कि मिट्टी से बर्तन कैसे बन सकता है, क्योंकि अब जैसे जैसे समाज से बाहर हो रहा है, मिट्टी के बर्तन चाक से बनी हुई जो वस्तुएं होती थी वो सब समाज से जिस तरह से बाहर होती जा रही है बिल्कुल, ऐसे में तो यही है कि आने वाले समय में 20-30 साल बाद, और अभी भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे आपको मिल जाएंगे जैसे आप मिट्टी के बर्तनों की बात करेंगे तो सिर्फ उन्होंने किताबों तक ही देखा होगा, बाकी उसके आगे उनको उससे कोई सरोकार उनका नहीं रहा है। तो मिट्टी के बर्तन जिन्हें उनकी भाषा में एम्फोरा कहते थे, एम्फोरा कहा जाता था, जैसे हमारे यहाँ घड़ा कह देते हैं वो एम्फोरा कहते रहोगे, सिंपल सा, बस उसमें कुछ सोचना है, एम्फोरा मतलब घड़ा, घड़ा मतलब एम्फोरा। स्पेन में एक उदाहरण से समझाना है इनको, ये समझना है हमको कि किस हद तक, किस स्तर का तेल उत्पादन होता था स्पेन में। ईस्वी के मध्य तेल उत्पादन का कार्य अपने चरमोत्कर्ष पर था, अपने चरमोत्कर्ष पर था। ठीक, इस तरह से हमने देखा कि ये जो 160 ईस्वी है, 1600 में समझ लेना, 160 ईस्वी में ये अपने चरमोत्कर्ष पर था। यहां से जब जैतून के तेल को ले जाया जाता था तो उसको जिस बर्तन में ले जाते थे घड़े में था मिट्टी का, वो भी अन्य क्षेत्रों में इसको एम्फोरा कहते थे, जबकि स्पेन में इसको
ड्रेसेल 20 कहा जाता था, ड्रेसेल 20 के नाम से जानते थे। ठीक, घड़े को ड्रेसेल 20 के नाम से जाना जाता था। इसका नाम ड्रेसेल इसलिए पड़ गया क्योंकि इसकी खोज, ऊपर लिख देते हैं, हो सकता है दिखाई ना पड़ रहा हूं, तो ये जो यहाँ के मिट्टी के बर्तन थे इनकी खोज जो की थी वो हेनरिक ड्रेसेल ने की थी। हेनरिक ड्रेसेल ने की थी, इसीलिए यहाँ के जो मिट्टी के बर्तन थे, जो पात्र थे जैतून के तेलों के, उनको ड्रेसेल 20 कहा गया। इसके बाद साम्राज्य में उपजाऊ क्षेत्र की बात करते हैं हम लोग। साम्राज्य में उपजाऊ क्षेत्र कौन कौन से थे? उपजाऊ क्षेत्र, तो साम्राज्य में जो उपजाऊ क्षेत्र थे उनमें से इटली, कैम्पोनिया, कैम्पोनिया, सिसली के बाद मिस्र में फयूम, मिस्र का यह स्थान था फयूम, फिर गैलीली, यह भी एक स्थान था, अगला स्थान है बाइजैकियम, इसके बाद था, फिर दक्षिणी गाल, यह भी एक स्थान, गॉल एक स्थान था, दक्षिणी गॉल, और तथा बायटिका, ये कुछ महत्वपूर्ण स्थल थे। वन मिनट, यही अब ये जो कैम्पोनिया है ये, और ये अच्छी शराब के लिए प्रसिद्ध था, यहां से अच्छी शराब मिलती थी। दूसरा आपका जो स्थान है बाइजेकियम और सिसली, ये जो सिसली है ये और बाइजेकियम, ये दोनों गेहूं की फसल के लिए प्रसिद्ध थे। ये दोनों बातें जो कही हैं वो कही हैं प्लीनी व स्ट्रैबो ने, ये दोनों इतिहासकार हैं, इतिहास लेखन का कार्य उन्होंने रोम पे किया है, इन दोनों ने बताया है कि यहाँ पर ऐसी उसमें उपलब्ध थी। अब ये तो हो गई उपजाऊ क्षेत्रों की बात जिसमें महत्वपूर्ण क्षेत्र थे, अब हम आगे आते हैं, वही इसमें कुछ अनुपजाऊ क्षेत्र भी थे। कुछ अनुपजाऊ क्षेत्र भी थे जैसे नूमीडिया, अनुपजाऊ जैसे नूमीडिया, आधुनिक अल्जीरिया, जो आज आधुनिक अल्जीरिया है उसी का नाम था नूमीडिया, ये कम उपजाऊ या फिर गैर उपजाऊ भूमि वाला क्षेत्र हुआ करता था। यहां वर्षा ऋतु में प्रवास करके
भारी संख्या में लोग आते थे, भारी संख्या में लोग प्रवास करके आते थे वर्षा ऋतु में। इन क्षेत्रों में चरवाहे आते थे, क्योंकि अन्य क्षेत्रों में जहां उपजाऊ क्षेत्र होगा वहां तो फसल हो रही होगी, जो अनुपजाऊ क्षेत्र है यहाँ जो जंगल झाड़ी घास जो भी होगी उसको जानवरों को चराया जा सकता है, आपत्ति किसी को नहीं होगी, इसलिए चरवाहे होते आते थे। और फिर यहीं से चरवाहों को ले जाकर कृषि कार्य कराया जाता था, उनसे कृषि संबंधी कार्य कराया जाता था। इसमें जो स्पेन का उत्तरी क्षेत्र था, स्पेन का उत्तरी क्षेत्र कृषि की दृष्टि से काफी अच्छा था, के पहाड़ी क्षेत्रों में गांव बसे थे, और ये जो गांव होते थे इन गांवों को कैस्टोना कहा जाता था, कैस्टोना कहा जाता था। अब जो कुछ विशेष था यहाँ की व्यवस्थाओं में, आर्थिक विस्तार में विशेष था, हम लोग उस पर आ रहे हैं। तो सिंपल सा दो लाइन में जो समझाना है विशेष वो यही है कि जो हम ये समझकर पढ़ रहे हैं कि प्राचीन सभ्यता है, पुरानी व्यवस्था है, पुरानी सभ्यता है, तो हमें ये कतई नहीं मान लेना है कि पुरानी या प्राचीन होने के कारण यहाँ सब कुछ आधुनिक से अलग रहा होगा, एकदम पिछड़ा हुआ रहा होगा। बहुत सारे ऐसे स्थल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र रहे हैं जिसमें विकास की पराकाष्ठा आज के आधुनिक समाज के बराबर थी, आधुनिक समाज जैसा था वैसा ही विकसित स्वरूप वहां पर बहुत सारे संसाधनों में मिला है। इसका एक उदाहरण जो है वो मैं ये आपको बता दे रहा हूं कि यहाँ जल शक्ति का प्रयोग किया जाता था, का प्रयोग होता था, और यह जल शक्ति जो थी इसका प्रयोग औद्योगिक इकाइयों के लिए होता था। यानी जो औद्योगिक इकाइयां थी उनको चलाने में इसका प्रयोग होता था। इस समय उत्पादकता का स्तर इतना ऊंचा था उत्पादकता का स्तर कि 19वीं सदी में यानी 1700 वर्षों के बाद, ठीक 1700 वर्षों के बाद तक ऐसा उत्पादन देखने को नहीं मिला। ठीक, इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि आर्थिक क्षेत्र के मामले में यह संपन्न था, एक संगठित वाणिज्यिक क्षेत्र था इनका, साथ ही इनके पास व्यवस्थित व्यापारिक इकाइयां थी। ठीक, ये था इनका आर्थिक विस्तार और आर्थिक विश्लेषण। इसी के साथ आपका ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है, आर्थिक विश्लेषण का, आर्थिक विस्तार का। अब इसके बाद आपका जो अगला टॉपिक आ रहा है वो होगा श्रमिकों पर नियंत्रण। अभी विस्तार की बात होगी, आर्थिक क्षेत्रों की बात होगी, तो आर्थिक क्षेत्रों को चलाता कौन था? सिर्फ मालिक चलाते थे या मजदूर भी थे? तो वही मजदूर जो थे वो कहां से आते थे? श्रमिक होते थे, मुक्त वेतन भोगी श्रमिक होते थे, दास होते थे, बंधुआ मजदूर क्या होते थे, ये सारी चीजें हम आने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। वो हमारा टॉपिक होगा श्रमिकों पर नियंत्रण।
कैसे यहाँ के साहूकार व्यापारी श्रमिकों पर नियंत्रण रखते थे, ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।